नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईपीएल सीजन 12 बिल्कुल अंतिम दौर में है। आईपीएल सीजन 12 का विजेता मिलने के लिए मात्र अब दो ही पड़ाव बाकी रह गए हैं। रोमांच से भरा ये सीजन कई बार बहुत अच्छा था तो कई बार बहुत बुरा भी। 8 मई को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने थे सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली ने हैदराबाद को 2 विकेट से पटखनी दे दी। दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को 2 विकेट से हरा दिया और दिल्ली की पारी के 20वें ओवर में कुछ ऐसा देखने को मिला जो खेल भावना के बिल्कुल विपरीत था। हुआ कुछ ऐसा कि आखिरी ओवर में दिल्ली को 5 रन चाहिए थे और 2 विकेट उसके हाथ में थे। क्रीज पर कीमो पॉल और अमित मिश्रा मौजूद थे। खलील अहमद गेंदबाजी करने आए थे। खलील के पहले 3 गेंदों पर मात्र 3 रन आए थे, इसी वजह से दिल्ली दबाव में थी। ओवर की 4थी गेंद पर मिश्रा के पास स्ट्राइक थी और उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की लेकिन वो चूक गए और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। विकेट्स पर पीछे खड़े साहा भी मुस्तैद थे। साहा ने मिश्रा को रनआउट करने के लिए थ्रो किया लेकिन गेंद पिच के बीच में खड़े खलील के पास आ गई और खलील ने जैसे ही थ्रो किया तभी मिश्रा विकेट्स और खलील के बीच में आ गए। पहले तो मिश्रा अपनी साइड ही भाग रहे थे पर जैसे ही उन्हें लगा कि वो नहीं पहुंच पाएंगे तो उन्होंने अपनी दिशा ही बदल दी। जैसे ही खलील ने थ्रो किया, दिशा बदलने की वजह से वो गेंद मिश्रा के पैर में लगकर रुक गई। इतना सब कुछ देखकर खलील भी कहां चुप बैठने वाले थे। खलील ने तुरंत ही अपील कर दी। मैदानी एम्पायर ने तो मिश्रा को नॉट आउट दे दिया था लेकिन बाद में जब रिप्ले देखा गया तो मैदानी एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और मिश्रा को मैदान से बाहर जाना पड़ा। मिश्रा इतने सीनियर खिलाड़ी होने के बाद भी अगर ऐसा कर गए तो अब उन्हें इसके लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब आगे बचे हुए मैचों की बात करें तो अब दिल्ली को दूसरे क्वालिफायर में चेन्नई से भिड़ना है। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि 12 तारीख को फाइनल में मुंबई के साथ कौन खेलेगा, दिल्ली या फिर चेन्नई।